नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र के बहना पानी घाटी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक बच्ची सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया था, जिनका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब सभी तेहरवी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ट्रैक्टर से वापस अमीरा गांव से अपने गांव बहना पानी लौट रहे थे। उसी समय ट्रैक्टर का ब्रेक घाट में फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। एडिशनल SP प्रदीप कुमार शिंदे ने बताया कि मृतक महिला की पहचान 60 वर्षीय सत्तोबाई टेमरे के रूप में हुई है। वहीं ट्रॉली में पीछे बैठे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 62 वर्षीय केहर सिंह टेमरे, 32 वर्षीय रामबाई टेमरे, 10 वर्षीय मालतीबाई, 35 वर्षीय श्यामलाल उठिया और देवी सिंह टेमरे शामिल हैं। सभी घायलों को गंभीर हालत में जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कुंडम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक और घायल सभी बहना पानी गांव के रहने वाले हैं। परिजनों का कहना है कि यह हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ, जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, ये कुंडम थाने की घटना है। इसमें बहना पानी एक ग्राम है, जिसमें ट्रैक्टर पे बैठ के कुछ लोग जा रहे थे। घाटी के पास में ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई और शेष लोग जो 5-6 लोग हैं वो इंजर्ड थे, तो अंडर ट्रीटमेंट है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सूचना पाती, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और भी जो एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।